मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है। उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, व्यंग्य, यात्रा वृत्तांत और नाटक जैसी विधाओं में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्हें अनेक सम्मानों से पुरस्कृत भी किया गया है। आइए जानते हैं उनकी रचनाओं के उद्भव और उनके जीवन यात्रा के बारे में प्रतिलिपि के साथ। नमस्ते मृदुला जी, आपका प्रतिलिपि में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने लिखना कब से शुरू किया और इसके लिखने के पीछे कोई प्रेरणा, कोई घटना है तो हमें बताइए। लिखना मैंने शुरू किया 72 में, जो कि काफी बड़ी उम्र जी हो चुकी थी। जी जी मेरी शादी हो चुकी थी, दो जी, बच्चे थे जी, और मैं एक बहुत छोटे कस्बे में कर्नाटक में रह रही थी, बागलकोट। बल्कि नहीं, बागलकोट जाने से पहले मैं दुर्गापुर में थी जी, और वहाँ मैंने सबसे पहले कुछ कहानियाँ और कविताएं लिखी थी। शुरू में, एकदम शुरू में मैंने अंग्रेजी में लिखी। अच्छा जी जी जी। अंग्रेजी में कुछ कविताएं लिखी थी जो इलस्ट्रेटेड वीकली में छपी थी। एक दो कहानियां अंग्रेजी में लिखी, मगर फिर अपने आप ही कुछ ऐसा हुआ कि हिंदी में लिखने लगी। और मेरा कोई खास ताल्लुक साहित्यिक जगत से नहीं था, क्योंकि मैंने अर्थशास्त्र में एमए किया जी जी और अर्थशास्त्र पढ़ाया था जी। और उसके बाद शादी हो गई थी तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी। दिल्ली में मैं नौकरी कर रही थी, वो मैंने छोड़ दी थी और वहाँ जहाँ मैं रह रही थी छोटी जगह में, वहाँ कोई नौकरी का प्रावधान था नहीं। मगर मैंने साहित्य पढ़ा बहुत था, हर दोनों भाषाओं में, हिंदी में और अंग्रेजी में, मगर मेरा साहित्य जगत से कोई संबंध नहीं था। मुझे उनकी राजनीति और उनके दंड फंद या उनके जो भी कुछ था, कुछ मालूम नहीं था। और मैं रह भी दुर्गापुर, हम एक साल रहे, उसके बाद हम बागलकोट चले गए। बागलकोट कर्नाटक में एक छोटा सा प्रदेश है जहाँ हिंदी बोलने वाले ही बहुत कम लोग थे और वहाँ दो पत्रिकाएं आती थी हिंदी की, एक धर्मयोग, एक सायका। बस वो जो कोई पढ़ लेता था पढ़ लेता था, तो मैंने वहाँ लिखना शुरू किया। प्रेरणा का तो यही कह सकती हूँ कि जिंदगी से प्रेरणा मिलती है। जो भी कहे कि हमें किसी एक खास चीज से प्रेरणा मिली, वो मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे ये खुद मैं अचरज करती हूँ जब सोचती हूँ कि मैंने लिखना तब क्यों शुरू किया जब मेरे बच्चे हो चुके थे। और मुझे लगता है कि इसका कुछ संबंध है कि जब बच्चे हुए तो एक किस्म की रचनात्मक ऊर्जा मैंने अपने अंदर महसूस की जो लेखन में प्रस्फुटित हुई। और कोई खास घटना ही नहीं हुई सिवाय इसके कि उन दिनों मैंने बागलकोट में कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं था, कन्नड़ माध्यम के बहुत खराब से स्कूल थे, तो मैंने एक स्कूल शुरू किया, प्राथमिक स्कूल, जिसमें हम अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों पढ़ाते थे। मेरे अपने बच्चे उस स्कूल में गए और जितने भी वहाँ अफसर थे उनके बच्चे और जो वहाँ के आसपास के गांव के बच्चे, उन्हें भी मतलब वहाँ पर दाखिला दिया। तो ये जब मैं काम कर रही थी उसी समय मैंने लिखना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि वो एक रचनात्मक ऊर्जा जो भीतर थी उसका प्रस्फुटन थोड़ा ये बच्चों के संग हुआ और थोड़ा लिखने में हुआ। तब वहाँ लेखन हुआ। उसका आलम यह था कि कभी कभी मैं एक दिन में दो कहानियां लिख लेती थी। आपकी पहली रचना कौन सी थी? पहली रचना का नाम था रुकावट। छोटी सी कहानी थी, बहुत छोटी कहानी थी, सारिका में छपी थी और लिखी ऐसे लिखी कि वो खत लिखने का कागज होता है नीले रंग का, अच्छा जी, उस पे हाथ से लिख के, और मेरी लिखाई काफी खराब है, अच्छा, हाथ से लिख के कमलेश्वर को भेज दी जी। सारिका के संपादक थे जी। कुछ नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, जानते नहीं, कुछ नहीं। तो मगर उस जमाने की बात है, आज तो ये हो भी नहीं शायद। उनका जवाब आया कि कहानी तो मुझे पसंद है और मैं छापूंगा, मगर ये कैसे पता कि अभी आप और लिखेंगी। तो मैंने उसके जवाब में उनको अगले दो साल में 24 कहानियां भेजी। मैं लिखती जाती थी और उनको भेजती जाती थी और उनका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ये रुकावट कहानी तो छाप दी मगर उसके बाद उन कहानियों पर उनकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। मगर मैं जब कहानी पूरी होती थी उनको भेज देती थी, 24 तो नहीं, शायद 20 कहानियां उनको भेजी। तो फिर उनका एक बहुत लंबा पत्र आया, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मैं तीन कहानियां रख रहा हूँ जो मैं छापूंगा सारिका में, और बाकी कहानियां शायद आप दोबारा देखना चाहें। तो मैंने लिखा नहीं, आप वो तीन भी भेज दीजिए, तो वो भी मैं दोबारा देखूंगी और दोबारा देख के फिर मैं आपको भेज दूंगी।
उसके बाद 72 में मैंने एक कहानी पत्रिका श्रीपत राय चलाती थी, उनकी एक प्रतियोगिता हुआ करती थी कोई कहानी प्रतियोगिता, वो भी मैं मुझे उसके बारे में मालूम नहीं था। मैंने उन्हें एक कहानी भेजी कितनी कैदे नाम से, तो उनका खत आया कि अगर आप अनुमति दें तो हम इसको प्रतियोगिता में ले लें। तो मैंने कहा जरूर ले लें, तो उसको उसमें प्रथम पुरस्कार मिला। तो ये कितनी कैदे को जब प्रथम पुरस्कार मिला तो उस पर बहुत पत्र आए, और वो शायद वो मकाम था कि लोगों को पता लगा कि भाई मैं लिख रही हूँ, और मैं ऐसी जगह थी जहाँ वो किसी ने मुझे देखा नहीं था। चार साल हम बागलकोट में ही रहे, वहीं से मैं लिखती रही, तो न किसी ने मुझे देखा था न कोई कभी मुझसे मिला था। तो एक अनजान स्त्री थी जो लिख रही थी। उसके बाद जब कितनी कैदे छप गई, श्रीपत राय का पत्र आया कि आप कभी दिल्ली आती हैं, तो मैंने कहा दिल्ली में तो मेरा मायका है, ससुराल भी है, दोनों दिल्ली में, तो हर साल आती हूँ। तो उन्होंने लिखा कि बच्चों को साथ लेके आना, अच्छा मैं मिलना चाहता हूँ एक बार। तो फिर मैं दिल्ली में उनसे मिली, तब पहली बार किसी ने मुझे देखा था। उसके बाद धर्मयुग में कहानी छपी तो धनवीर भारती ने भी लिखा कि बम्बई आओ तो मुझसे मिलना, तब मैं उनसे मिली। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस वक्त के संपादक कितने उनके ख्याल बुलंद थे, साहित्य के प्रति कितना लगाव समर्पण था। एक कहानी आती है जिसका एक अनजान लेखक है और संपादक ये कहता है कि आप अनुमति दें तो उसको प्रतियोगिता में ले लें। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब जब लोग कहते हैं ना हमने संपादकों से आपका क्या अनुभव है, मैंने कहा बहुत ही अच्छा अनुभव। पुस्तक पहली कौन सी है? उसके हिस्से की धूप 1975 में। दीदी आपने अपने बचपन के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, तो कुछ ऐसे रोचक संस्मरण हमें भी सुनाइए। तो ये किताब एक उपन्यास है मिलजुल मन, जो जिसमें मेरी सब बचपन की ही बातें हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक है। इसमें मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, तो वो एक किरदार है और कहानी जो है काफी हमारे बचपन की इसमें आ जाती है। दरअसल जब आप बात पूछ रही थी प्रेरणा की, तो मुझे बात कहनी चाहिए थी कि हमारे परिवार में हम तीन बहनें लिखती हैं। शायद आप जानती हूँ, अब तो राजकमल ने एक किताब भी छापी है बिसात नाम से, जिसमें तीनों की कहानियां एक साथ। तो कुछ हमारे घर में होगा कोई कीड़ा जिसने मतलब तीन बहनें लिखे हैं, तो कोई कीड़ा तो होगा जिसने काटा होगा। दरअसल हमारे घर में बहुत पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, मतलब साहित्य, पिताजी, माँ, हमारे चाचा रहते थे वो, हमारे नाना हर वक्त साहित्य पढ़ते थे। माँ का तो ये आलम था कि वो किताब पढ़ती होती थी तो किसी ये भी बताना भूल जाती थी कि खाना बनेगा, और अगर खाना बहुत खराब बना होता था तो हम समझ जाते थे कि कोई बढ़िया किताब पढ़ रही है। उन्होंने हमें कभी कहा नहीं कि लो ये किताब पढ़ो, मगर उनको देखकर ही ना, उनकी किताब के प्रति उनका लगाव देखकर हम सबने पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ते पढ़ते हम लिखने की तरफ बढ़े। एक बहुत मजेदार किस्सा जो इसमें किताब में भी है, उन दिनों हमारे घर में बहुत आर्थिक तंगी चल रही थी, पिताजी ने नौकरी छोड़ दी थी और दूसरी पकड़ी नहीं थी तब तक, तो घर की हालत बहुत खस्ता थी। 54 की बात है, मंजुल ने हायर सेकेंडरी का इम्तिहान दिया था, और वो हर वक्त ये कहती रहती थी कि बस मैं तो जरूर फेल हो जाऊंगी। छुट्टियां हुई, छुट्टियों के बाद रिजल्ट जून में आया करता था, जुलाई जून में। तो एक हमारे पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि वो हम दोनों को मसूरी ले जाएंगे, तो हम बड़े खुश हुए चले गए, पैसे ऐसे थे नहीं। तो वहां जाके पता चला कि जो इम्तिहान का नतीजा निकलना है हायर सेकेंडरी का, वो 22 जून को निकलेगा। अच्छा। अब उस दिन उसका जन्मदिन था। अच्छा। तो पहले हमने मतलब आप शायद अब इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पर 1 रुपए में, एक मिल्क कैफे था मसूरी में लाइब्रेरी के पास, वहाँ 1 रुपए में एक बर्गर और एक कॉफी मिलती थी। तो हमने 2 रुपए बचा के रखे थे कि हम एक एक बर्गर और एक एक कॉफी ये बर्थडे कैफे में बर्थडे बनाएंगे। तो हमने कहा कि भाई 22 जून को तो ठीक नहीं रहेगा, फेल होने के बाद जाके पार्टी मनाना, तो हम 21 को ही मना लेते हैं। अच्छा, मतलब आप इस बात के लिए एकदम तैयार थे कि वो फेल हो जाएंगे। और रोज मैं उसको कहती थी कि भाई बड़े बड़े लोग सब फेल होते आए, फेल हो जाओ तो पहाड़ से मत कूदना। जो हमें हमारे जो मेजबान थे, हमें जो लेके गए थे, उनका घर बहुत नीचे उतर कर था, खड्ड में बिल्कुल। अच्छा। तो हम उसमें से बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ते थे, फिर आते थे, और खास वो मेजबानी कुछ कर नहीं रहे थे, उन्हें बहुत ही खराब गुजराती थे, मगर हमको कुछ गुजराती नमकीन खाने को नहीं मिला था, कोई गुजराती व्यंजन खाने को नहीं मिला, पनीली सी दाल होती थी और वो यही सब। तो खैर, मगर हम पहाड़ों को देख कर ही खुश थे,
ना पैदल घूमते थे, तो 21 जून को हम वहाँ कैफे में गए जी। और इतनी देर तक हमने गुफ्तगू की जी। उसको मेन्यू कार्ड को लेके कि वो समझ गया कि भाई इनके पास पैसे ऐसे नहीं है जी, जी। और इनका इसका जन्मदिन है ये भी समझ गया जी। तो उसने एक मोमबत्ती ला के जला दी, दो गुलाब के फूल भी ला के अच्छा, रख दिए। जी, जी। हाँ, और जूक बॉक्स पर गाना हाउस ऑफ बैम्बू वो हम उसका पसंदीदा गाना अच्छा, हुआ करता था वो भी चला दिया जी। और बाकी फिर वो हमने बर्गर और कॉफी जी। मंगाई और जन्मदिन मना, जन्मदिन बन गया जी। उसके बाद इतनी मूसलाधार बारिश होनी शुरू हुई कि वहां से वापस हमें आना मुश्किल हो गया। अरे बाप रे जी। और एक छतरी हुआ करती थी, मंजुल कहती थी मैं धूप में जाऊंगी तो काली हो जाऊंगी, अच्छा। तो हर वक्त एक छतरी रखा करती थी। अच्छा। तो वो छतरी तो इतनी बेकार छतरी थी जी। कि वो जैसे ही तेज हवा चली वो तो उलट गई। जी। तो हम उस किसी तरह वही अपना चलते हुए बारिश में, और इतने हमारे पास पैसे नहीं थे कि रिक्शा कर लेते, जी जी हम भीगते भागते वहां पहुंचे मेजबान के घर। तो वो बहुत नाराज हुए हमें, कोई उन्होंने हमदर्दी नहीं दिखलाई कि भाई इतनी बेवकूफों की तरह तुम चले आ रहे हो रात को भीगती हुई और ये और वो। तो अगले दिन खूब तेज धूप निकली, बढ़िया निखरा हुआ दिन, और सुबह से मैं मंजुल के पीछे पीछे कि भाई अब नतीजा निकलेगा तो पता नहीं ये क्या करेगी। तो इतने में तार आया, तब तक कोई 12 बजे थे सिर्फ, तो तार उन दिनों कम ही आता था। तो हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, माँ हमारी बीमार रहा करती थी। तार खोला तो उसमें लिखा मंजुल फर्स्ट डिवीजन में पास। हम तो अचरज में पड़ गए, हमने कहा अभी जाके अखबार देखते तभी हमें यकीन आएगा। हम भागे लाइब्रेरी की तरफ और मंजुल ने मुझे डांटना शुरू किया, तेरी वजह से सारा हमारा खराब हो गया। अच्छा। हर वक्त तू कहती रहती थी पहाड़ से कूदना मत, देखना कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, तूने अपना कली मनवा दिया मेरा जन्मदिन बारिश में। मैंने कहा मैंने थोड़ा बारिश करवाई थी, ये सब तेरी वजह से हुआ। खूब उसने मुझे डांटा मगर फिर भी हम खूब मजे से हंसते हुए वहां, फिर हमने अपनी जो मेजबान पत्नी थी उनको बतलाया कि भाई देखो ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। तो बेचारी, मैंने फिर कहा, मैंने कहा भाई आज तो कम से कम कुछ मीठा खिला दीजिए। अच्छा। तो उन्होंने अलमारी खोली, लड्डू निकाले जी, जी। दिए और कहने लगी कोई बात नहीं, लड़की है तो कोई बात नहीं, काम तो अच्छा किया है। इस वाक्य के बाद पिताजी की नौकरी लग गई और वो बहुत ऊंची पदवी पर पहुंचे और बहुत शानदार तरीके से मंजुल के जन्मदिन मने उसके बाद। मगर वो 2 रुपए वाला जन्मदिन हमने पूरी उम्र नहीं भूलेगा, कभी भूला भी नहीं। हम उस पर बार बार बात करते थे दोनों जब तक मंजुल रही। आपके बारे में एक बात साहित्य जगत में बहुत प्रचलित है कि आप मन से मन की यात्रा करती हैं। कैसे कर पाती हैं ये इतनी गहराई का लेखन और ये सब, कहाँ से मिली ये ऊर्जा आपको? वीना, मैं तो सोचती हूँ कि साहित्य होता ही मन से मन तक की यात्रा है। साहित्य का मतलब ही ये है, क्योंकि जब हम कोई वृतांत भी लिख रहे होते हैं, कोई विवरण दे रहे होते हैं किसी प्राकृतिक वर्णन को छोड़कर, वहां पर भी मन का रिश्ता होता है, लेखक के मन का रिश्ता होता है। मगर अगर हम इंसानों को किरदार बनाते हैं तो उनकी मन की ही बात आती है। हम किसी हादसे का ब्यौरा देते हैं या किसी राजनीतिक उठापटक की बात करते हैं या युद्ध का विवरण देते हैं या किसी भी और ऐसे हादसे की बात करते हैं, तब भी हम वहां पर जो जो इंसान है उनके मन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ विवरण नहीं दे रहे। और मैं समझती हूँ कि जो पत्रकारिता है या जो भी इस तरह की वर्णनात्मक शैली की चीजें हैं, उनके बनिस्बत साहित्य इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वो मन की बात करता है। मतलब साहित्य में इतिहास भी आ जाता है, इतिहास में भी मन आता है, ऐसा नहीं है। इतिहास में भी जब इतिहास लिखते हैं तो अकबर के मन में क्या था, औरंगजेब के मन में क्या था, ये आता है। मगर घटनाएं ज्यादा, घटना प्रधान हो जाता है, घटनाओं पर ज्यादा जोर रहता है, बल रहता है। मगर जब हम साहित्य लिखते हैं तो अगर हम अकबर को किरदार बनाते हैं तो उसकी मन की बात करेंगे, वो युद्ध क्यों लड़ने गया, उसका सलीम से क्या झगड़ा था, उसका हिंदुओं से क्या व्यवहार था, कुछ भी हम कहेंगे तो उसके मन से उसका वाबस्ता रहेंगे, मन से वाबस्ता रहेंगे। तो शायद मन ही की यात्रा होती है इसमें साहित्य में। इतना जरूर है कि मैं शायद इतने ज्यादा विवरण नहीं देती, मन के भीतर ज्यादा जाती हूँ और बाहर की चीजें कम होती हैं। और चाहे उसमें से आप इतिहास का पता लगा सकते हैं, जैसे एक किसी अमरीकी सज्जन ने कहा कि चितकोबरा उपन्यास में दो प्रेमी हैं, एक भारतीय महिला है और पुरुष
अंग्रेज हैं जी और वो घूम रहे हैं और प्रेमी हैं और प्रेम की बातें कर रहे हैं, अचानक वो खूनी दरवाजे के पास पहुंचते हैं जी और वहां जाके एकदम से वो रुक जाते हैं जी और दोनों अपनी अपनी अतीत में लौट जाते जी हैं। और वो जो क्योंकि वो दो ऐसे कौमों से हैं जो आपस में लड़ती रही जी, हैं और जी, वो गुलाम रही है एक कौम, जी, जी, तो एकदम उनके बीच में कुछ फर्क आ जाता है। अच्छा जी, तो ये जो छोटी सी घटना है उससे ही इतिहास का पता लगता है। जी जी, तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जी, जी, जिनसे पता लगता है कि भाई ये जो मन की बात है वो आई कहाँ से, कहाँ से जी। तो मैं ये समझती हूँ कि हम जब मन की बात करते हैं, किसी भी के मन की बात करते हैं और किसी खास समय में, जी तो हम सिर्फ उस पात्र के बारे में नहीं लिख रहे होते, उस समय के बारे में भी लिख रहे जी होते हैं, जी जी तो उसमें से हमें समय दिखलाई देता है। जी आप किसी भी उपन्यास को लें, जैसे मेरा उपन्यास अनित्य है जी जो आज़ादी के आंदोलन के जी विषय में है, मैंने उसमें भी पात्र लिए हैं जो कि मध्यवर्गीय पात्र हैं जो आंदोलन में हिस्सा जी लेते जी हैं फिर उससे मोह भंग होता है, जी उनके माध्यम से बात कही है। जी जी ये ऐतिहासिक पात्र नहीं लिए हैं, सिर्फ जी वो हाशिए में पीछे पृष्ठभूमि में रहे जी हैं, जी जैसे भगत सिंह हैं या आज़ाद हैं या जी गांधी जी हैं, वो पृष्ठभूमि में रहे जी हैं, मगर जी उनसे जो प्रभावित जी पात्र हैं जी जो हिस्सा ले रहे हैं जी आंदोलन में, उनके मन की बात, उनके मन की जी कशमकश, जी अहिंसा जी का पथ चुने के हिंसा का पथ जी चुने, जी क्या करें, ये जी सब बातें जो हैं वो उसमें मन से आती जी हैं। जी तो शायद मैं साहित्य लिखना ही इसलिए शुरू किया कि मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा जो सब घटनाओं पर जी आधारित जी है, मगर मुझे लगा कि आप कहते हैं कि ये पर कैपिटा इनकम होती है, जी एक आदमी की 100, एक आदमी की 10, जी तो जिसकी 10 है और जिसकी 100 है इसमें तो बहुत फर्क बहुत है, फर्क है जी आप उसका निकाल लेंगे औसत, जी तो उस औसत से तो कुछ बात बनेगी नहीं। जी तो जी असल जी में तभी मुझे एक तरह से मेरा अर्थशास्त्र से मोह हुआ जी कि असल चीज तो व्यक्ति है ना, जी जी व्यक्ति के मन की बात मन है, की बात तो है उसी पर लिखना है, वही फिर उसी में साहित्य बनता है। जी जी कभी मैंने इसको उस तरह से सोचा भी नहीं, जी इसीलिए शायद एक दो जो मैंने नाटक लिखे वो इतने लोकप्रिय नहीं हुए जी जितने मेरे लिखे उपन्यास या उपन्यास जी कहानियां, जी जी क्योंकि उसमें मन की बात ज्यादा आई है ज्यादा आ जी सकती है और पढ़ी जा जी सकती है। आपकी रचनाओं पर जब बात चल निकली है तो मुझे याद आ रहा है कि चितकोबरा उपन्यास जब आपका आया था तब उस पर काफी विवाद हुआ था और कई कुछ ऐसा भी हुआ था कि आप पर अश्लीलता का आरोप जैसा कुछ लगा था और भी कुछ घटनाएं आई थी सामने, तो कैसे सामना किया आपने इसका? असल में शुरू में तो हमने हमें कुछ उसको काफ़ी एक मजाक की तरह लेते रहे जी जब पहले, असल में शुरू में क्या हुआ कि वो सारिका पत्रिका में जी उन्होंने उसमें से दो पन्ने जी जी छापे और उनको अश्लील करार दिया जी और उस पर एक पत्र लिख छापा, जी सूर्यवाला का पत्र था वो, जी इसमें लिखा हुआ था कि भई ये अश्लील हैं, ये पन्ने अश्लील हैं, किताब अच्छा से कोई मतलब नहीं, जी और ये भी लिखा हुआ था उन्होंने कि किताब मैंने पढ़ी नहीं है, अच्छा तो मतलब अलग से काट जी कर जी अगर आप पन्ने निकालते हैं तो निकाल उसका कोई मतलब नहीं बनता जी है। और उस पर संपादक ने ये लिखा था कि ऐसी और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं, अच्छा हाँ, तो एक साल तक वो आती रही और इतनी फाहश और इतनी गलीज किस्म की जी के जी पत्र आए जो वो छापते रहे, अच्छा तो ये एक साल तक ऐसे चलता रहा। जी तो शुरू में तो हमने उसको कोई ध्यान ही नहीं दिया, हमने जी कहा जी ऐसी बकवास है खत्म हो जाएगी, मगर वो जी चलता ही चला गया। जी उसके बाद हमने पत्र भी लिखा, मंजुल ने पत्र लिखा, कोई पत्र वत्र नहीं छापे जी जो जी जी इस तरह के पत्र थे जो चितकोबरा के जी जी पक्ष में थे, क्योंकि पक्ष तब तक चितकोबरा का 5वां संस्करण आ चुका था जी जी और उसकी सारी समीक्षाएं बहुत ही अच्छी थी, जी किसी में भी कहीं अश्लीलता का आरोप ही नहीं था, बल्कि जी जैनिन जी ने यह कहा था कि इसको पढ़ते हुए आदमी शारीरिकता में नहीं नहीं रहता, रहता है जी मुझ जैसे इंसान को भी उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं लगा, जी ये उन्होंने बोला था जी एक गोष्ठी में। जी तो बाद में फिर जैनेन जी से उन्होंने एक साक्षात्कार लिया, सोच के जी कि शायद वो उसको कुछ बुरा खारिज भला करें कहेंगे, या कुछ हाँ, करें तो जी उन्होंने उल्टा ऐसी बातें जी कही, जी बल्कि उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला था कि अगर संपादक का सम निकाल दो तो क्या बचता है, जी जी ये इस तरह का काम कर रहा है, जी ये बोला था। तो उसके बाद खत्म हो गई बात, माफी उन्होंने मांग ली जी ये, मतलब अब हम इसको खत्म करते जी हैं, जी ये करके जैनिन जी का वो लंबा इंटरव्यू जी छापा और उसके साथ फिर वो पत्र भी छाप दिए, जी मंजुल का पत्र था, एक वीरेंद्र सक्सेना का पत्र था, जी योगेश गुप्त का पत्र था, कुछ और पाठकों के जी पत्र जी थे, जी मगर उसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक उसके करीब एक आध साल बाद
मुझे गिरफ्तार कर लिया गया जी और वो वही दो पन्ने लेके वो पुलिस वाले आ गए कि ये अश्लील, अच्छा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया अंग्रेजी में लीगली एक्शनेबल, जी अब उसका क्या मतलब है वही जाने। जी जी तो फिर उस वक्त जरूर बहुत ही एक अजीब घटना थी ये कि हम बहुत परेशान हुए, जी मगर जहाँ तक मेरे परिवार का ताल्लुक है मेरे ससुराल में तो कोई पढ़ता नहीं था, अच्छा तो उनको कुछ पता नहीं चला कि ये सब हुआ है। मेरे घर में जो मेरे मायका था उसमें सभी बहुत ज्यादा पढ़ते थे, तो उनको सिवाय गुस्सा आने के और कुछ नहीं हुआ कि भाई ये सब। मगर फिर इससे पहले कि मैं, ये भी हुआ कि भाई उनके खिलाफ हम केस करें ये करें सारे का की, मगर मेरी माँ बहुत बीमार थी और बाद में उनकी उनका देहांत हो गया तो वो सब हमने नहीं किया। मगर जब ये गिरफ्तारी का हुआ तब जरूर हम हमने वो जी बार बार ये होता था कि नहीं वो वापस हो गया, केस वापस हो, कुछ नहीं है, खत्म हो गई, फाइल वापस ले ली गई। जी जी ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, जी जी दिल्ली प्रशासन ने, वो कहते थे कि वापस ले लिए फाइल उनकी जो सेक्रेटरी थी, जी फिर जी वो शुरू हो जाता था। तो किस तरह से क्यों हो रहा था पता ही नहीं चला। जी फिर तब हमने, फिर मैंने, मैं और मंजुल हम एलम सिंह भी से मिले कि भाई वो, उन्होंने अपना अपना एक पत्र लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उस समय जगमोहन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि भाई ये आपने मांगी नहीं है मगर फिर भी मैं अपनी लीगल राय दे रहा हूँ कि ये गलत है और ये जब केस होगा तो आप कहीं पर नहीं होंगे और इसको वापस ले लें। तो जिस सुबह वो कोर्ट में आना था, अदालत में आना था, उससे पहली रात उन्होंने वो उसको वापस ले लिया। और सिर्फ गवर्नर ही ऐसा कर सकते थे क्योंकि वो केस हो चुका था, अदालत दर्ज हो चुका था। तो ये जो मुझे इसमें सबसे खराब बात लगी थी, जिससे मुझे दुख हुआ था, वो था कि कोई भी लेखक मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। शुरू में सारिका में जिन लोगों ने, जो 5-7 लोग थे, जैनी जी के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं था जिन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि क्या हो रहा है। बाद में मृणाल पांडे ने जरूर, चित कोबरा का एक, उसने तभी वामा की वो संपादक जी, बनी जी, थी। शायद दूसरा या तीसरा ही उनका अंकों का जिसमें चित कोबरा को दिया। अच्छा, हाँ, और ये उनके लिए एक नए संपादक के लिए बहुत बड़ी बात थी जी, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की थी जी, जी, और सारिका भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की, उन्होंने वो दिया था। और उसके बाद मुझे तो ये कभी भी, मतलब बहुत ही मजाकिया बात लगी थी जिसे कहते हैं, और उस पर मैंने एक बहुत मजाकिया लेख भी लिखा था जो पेट्रियट में छपा था। जी, जी। अब वो जो चितकोबरा राजकमल से छपी हुई है उसमें वो है लेख जी, जी। जिस रात में गिरफ्तार हुई जी, मैंने पढ़ा है उसे। तो मैंने उसका मजाक ही बनाया जी, जी। मगर साथ में ये प्रश्न भी पूछा कि इस तरह कैसे हुआ जी। और अभी भी हाल में एक स्विट्जरलैंड में है, वो इस पर PhD कर रही है चितकोबरा, पूरे चितकोबरा पर। तो उन्होंने बार बार पूछा कि किसी ने कभी माफी नहीं मांगी। मैंने नहीं, कभी किसी ने माफी नहीं मांगी, कभी किसी लेखक ने हिंदी के ये नहीं कहा कि ये बुरा हुआ जी, जी। सब ऐसे दिखलाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं जी। इसने मुझे बहुत हर्ट किया, मगर उसके साथ मुझे उससे ये ऊर्जा भी मिली कि कोई कुछ भी कहता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, जी। मुझे जैसे लिखना है वैसे ही लिखना जी। और मेरी बहन मेरे साथ थी जी, वो हमेशा मेरे साथ जी, मंजुल जी भी बहुत अच्छी लेखिका थी और वो मेरे, उन्होंने मेरा साथ दिया जी। हालांकि उन्होंने पहले पहले एक बार कहा कि क्या फर्क पड़ता है, तुम वो दो पन्ने निकाल दो जी, जब पहले शुरू में ये हुआ जी। तो मैंने कहा नहीं, वो उसका कोई कारण है कारण ना, लिखे गए जी, जी, जी। नहीं तो क्यों लिखते जी। जरूरी है उसमें उसे निकाल देंगे तो किताब, मतलब वो एक क्या कहा जाए, किताब का एक महत्वपूर्ण अंश, महत्वपूर्ण अंश है कि एक स्त्री है जो सहवास के समय जी, सोच रही है जी, कुछ और बातें सोच जी, रही है जी, प्रेमी के बारे में नहीं सोच रही लेकिन वो और बातें सोच रही है, सिर्फ सोच रही है, मतलब विचार कर रही जी, है। और यही बात लोगों को नागवार गुजरी थी, मतलब उसमें पति को वो एक नकारने वाली बात, पति को जिस्म में तब्दील कर लेती है जी, और जिस्म की तरह जिस्म से जिस्म मगर मन नहीं मिल रहा, मन नहीं मिल रहा। दूसरी बात, उसमें अपराध बोध नहीं है जी, नहीं तो उस समय पश्चिम में भी जो लिखे जा रहे थे उपन्यास, वो जब भी स्त्री का विवाहेतर संबंध होता था तो अपराध अपराध होता था। और बाद में जैसे एना कैरेनिना में हुआ जी, या मैडम बवेरी में हुआ, बाद में उसका दुखद अंत होता था जी, जी। मगर इसमें कहीं अपराध बोध नहीं है जी।
और बल्कि वो कहते भी हैं कि अपराध बोध नहीं है हमें, वो प्रेम के लिए कोई अपराध बोध नहीं है। जी तो उस तरह की जो भावना थी, बातें हैं, वो स्त्री को का एक तरह से उदात्तीकरण जी, था जी, कि प्रेम के माध्यम से हुआ। मगर फिर वो लेखक बनती है, जी, पहले तो गृहिणी होती जी, है, जी, लेखक बनती है, जी, और फिर वो बाद में मदर टेरेसा की अनुगामिनी भी जी, बनती जी, है। और वो उसका आखिरी वाक्य जो है जी, कि मैं मुझे पेड़ उगाने हैं, जी, सड़क के वीरान सड़क के सड़क किनारे के पेड़ पेड़ उगाने उगाने हैं जी औरों के लिए। जी जी तो एक ही वाक्य में वो कह देती बहुत है, कुछ जी कह बहुत देती कुछ है कह जी देती है। तो वो तो सब किसी ने पढ़ा नहीं, जी बहुत लोगों ने किताब पढ़ी ही नहीं, जी वो जो जी दो पन्ने थे वही पढ़े जी और उसी के आधार पर सारी बात हो गई। जी जी